महाराष्ट्र से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का,
विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्र ने आज दाखवून दिले तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। 50 साल के बाद और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है।
इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा भी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। साथियों, महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है, इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर, एससी एसटी ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में बांट देंगे, वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है एक है तो सेफ है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी
भाजपा एनडीए को वोट दिया, ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया, समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे। साथियों, महाराष्ट्र ने एनडीए को इसलिए भी प्रचंड जनादेश दिया है क्योंकि हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर इतनी विभूतियां जन्मी है, बीजेपी और मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज हमारी प्रेरणा है। हमने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, इनके सामाजिक न्याय के विचार को माना है। यही हमारे आचार में है, यही हमारे व्यवहार में है। साथियों, लोगों ने मराठी भाषा के प्रति भी हमारा प्रेम देखा है। कांग्रेस को वर्षों तक मराठी भाषा की सेवा का मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, मातृभाषा का सम्मान, संस्कृतियों का सम्मान और इतिहास का सम्मान हमारे संस्कार में है, हमारे स्वभाव में है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मातृभाषा का सम्मान मतलब अपनी मां का सम्मान। और इसलिए मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए लाल किले की प्राचीर से पंच प्राणों की बात की। हमने इसमें विरासत पर गर्व को भी शामिल किया। जब भारत विकास भी और विरासत भी इसका संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया इसे देखती है। आज विश्व हमारी संस्कृति का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। अब अगले 5 साल में महाराष्ट्र विकास भी विरासत भी के इसी मंत्र के साथ तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, इंडी वाले देश के बदले मिजाज को
नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। साथियों, देश के हर राज्य का वोटर दूसरे राज्यों की सरकारों का आकलन भी करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। ये आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है, इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के, इसके लिए जो दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे, तब भी इनकी चाल सफल हो नहीं पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला। साथियों, आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कान खोल के सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती।
साथियों, महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का या गाड़ी वालों का दो मुहा चेहरा भी देश के सामने खोल करके रख दिया है। हम सब जानते हैं बाला साहब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द जरा बुलवा करके दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है, लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। और यही इनका दो मुहापन है। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर को बदनाम करना है। साथियों, भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार सातवें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर पांच में से चार सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस
खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी, उतनी ही बड़ी हार इनके सहयोगियों वालों को भी मिली। वो तो अच्छा है कि यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस के सहयोगियों ने उससे जान छुड़ा ली, वरना वहां भी कांग्रेस के सहयोगियों को लेने के देने पड़ जाते। साथियों, सत्ता भूख में कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में विभाजन की विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके दब दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था
जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खूब जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे, लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला गौंड दिया है। साथियों, एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल है। परिवार की सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है, और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता ना हो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है। साथियों, कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना, और विदेश में जाकर देश को गाली देना, और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, और खुले आम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना, यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है, और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, जब मैं पिछली बार भाजपा मुख्यालय आया था,
तो मैंने हरियाणा से मिले आशीर्वाद पर आपसे बात की थी। तब हमें गुरुग्राम जैसे शहरी क्षेत्र के लोगों ने भी अपना आशीर्वाद दिया था। अब आज मुंबई ने, पुणे ने, नागपुर ने, महाराष्ट्र के ऐसे सभी बड़े शहरों ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। शहरी क्षेत्रों के गरीब हो, शहरी क्षेत्रों के मिडिल क्लास हो, हर किसी ने भाजपा का समर्थन किया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है। यह संदेश है आधुनिक भारत का, विश्व स्तरीय शहरों का। हमारे महानगरों ने विकास को चुना है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने विकास में रोड़े अटकाने वाली राजनीति को नकार दिया है। आज बीजेपी हमारे शहरों में ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो, आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हो, कोस्टल रोड और समृद्धि महामार्ग जैसे शानदार प्रोजेक्ट हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, शहरों को स्वच्छ बनाने की मुहिम हो, इन सभी पर बीजेपी का बहुत ज्यादा जोर है। आज का शहरी भारत ईज ऑफ लिविंग चाहता है और इन सब के लिए उसका भरोसा बीजेपी पर है, एनडीए पर है। साथियों, आज बीजेपी देश के युवाओं को नए नए सेक्टर्स में अवसर देने का प्रयास कर रही है। हमारी नई पीढ़ी इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए माहौल चाहती है। बीजेपी से ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है। हमारा मानना है कि भारत के शहर विकास के इंजन है। शहरी विकास से गांवों को भी ताकत मिलती है। आधुनिक शहर नए अवसर पैदा करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में आए और बीजेपी एनडीए सरकारें इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि मैं 1,00,000 ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं। आज एनडीए के अनेक ऐसे उम्मीदवारों को मतदाताओं ने समर्थन दिया है। मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं। साथियों, अरे चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में जय पराजय भी चलती रहेगी, लेकिन भाजपा का, एनडीए का ध्येय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। हमारा ध्येय सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, हम देश बनाने के लिए निकले हैं।
हम विकसित भारत बनाने के लिए निकले हैं। भारत का हर नागरिक, एनडीए का हर कार्यकर्ता, भाजपा का हर कार्यकर्ता दिन रात इसमें जुटा है। हमारी जीत का उत्साह हमारे इस संकल्प को और मजबूत करता है। हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो इसी संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। हमें देश के हर परिवार का जीवन आसान बनाना है। हमें सेवक बनकर, और ये मेरे जीवन का मंत्र है, हमें सेवक बनकर देश के हर नागरिक की सेवा करनी है। हमें उन सपनों को पूरा करना है जो देश की आजादी के मतवालों ने भारत के लिए देखे थे। हमें मिलकर विकसित भारत का सपना साकार करना है। सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। किसी को भी लगता, अरे मोदी जी 10 में से 5 पर पहुंच गए, अब तो बैठो आराम से। आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के रहेगा। हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे तो हर लक्ष्य पाकर रहेंगे। इसी भाव के साथ, एक है तो मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।